गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परमात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल रात में मैं जब यहाँ से जा रहा था तो दत्तू भैया मुझे पूछे कि कल सुबह का कार्यक्रम क्या है, मैं क्या बताऊं। मैं दिल में ऐसा ही बोलिया कि साधक बहुत सीनियर है, बहुत दिनों से साधना करते हैं, तो उनके सुबह के कार्यक्रम बोलने की क्या जरूरत है, देखेंगे तो सही। कभी आज 10-20 साल से आ रहे हैं, उनको तो अनुभव है, वो आएंगे। 8 बजे तक कोई भी साधक यहाँ नहीं था जप करने के लिए। अब मेरा भाग्य देखो कितना श्रेष्ठ है, इन साधकों को मैं साधना करवा रहा हूँ। जो लोग सुबह उठकर गुरु जप नहीं कर सकते, आश्रम में आकर भी नहीं रह सकते, अब एक एक की दलील सुनो। हमारे मनोज को बुलाया, क्या हुआ 8 बजे? अरे गुरु जी क्या बच्ची रो रही सुबह से, रात में देखती माँ देखने नहीं दी, मैं रात भर रात सुबह माँ देखती है, सुबह बीवी देखती है, मेरे से नहीं होता, उसका रीजन दलील हो गई। हमारे प्रेम को पूछा क्या हुआ, अरे गुरु जी कैसी बात करते आप, कल तो हुई डिलीवरी, आज तो काम है, आप वो सब देख के आना पड़ता स्नान वगैरह करने के लिए। तीसरे आदमी को पूछा क्या हुआ, अरे भाई तुम सुबह सुबह नहीं आ रहे। अरे गुरु जी आप तो मालूम है हमारे दीक्षित है चंद्रपुर से आए, क्या दीक्षित सुबह सुबह जब करके नहीं आए क्या? गुरु जी चंद्रपुर में रह के तो रोज 5:30 उठ के करता हूँ, कम से कम आश्रम में आपकी शरण में तो 8 बजे तक सोने दो। किसी तीसरे को पूछा गया, अरे क्या रे भाई तुम सुबह उठ के जब के लिए नहीं आए? गुरु जी क्या बताएं, बूढ़े लोग 4 बजे उठते हैं, हम तो जवान हैं, कम से कम सोने दे दो। अब मैं ऐसे लोगों को साधनात्मक दृष्टिकोण से साधना में बढ़ाऊं, एक बार बोला नहीं कि 5 बजे आके साधना करो, तो कोई 8 बजे तक नहीं आया, 3 बार पूछा। आखिर में सब जाने के बाद शेषु महाराज और उदय महाराज से पूछा, क्या हुआ भाई आप सुबह नहीं आए? तो सुबह उठ के बैठे कोई नहीं है, हम क्या करें, कोई नहीं दिखे इसलिए हम जाके सो गए। अब इस स्थिति में मैं साधनाएं आपको दूं और आपके ऊपर एक्सपेक्ट करूं कि आप साधनाएं करते हैं सुबह उठ के, मैं किस प्रकार करूं? मैं समझा अब इनको साधनाएं नहीं दूं, पहला काम यह करूं कि इनकी भूख और नींद दोनों मिट जाए, ऐसी कोई साधना दूं, भूख भी ना आए नींद भी ना आए। फिर क्या करते हैं, इनको बोलना पड़ता है कि सुबह आकर आप गुरु शरण में आए हो, गुरु जन्मदिवस के लिए आए हो, सुबह उठकर स्नान करके साधना करने के लिए जाओ। अब रही थोड़े लोग और भी दलील देते हैं, गुरु जी नल को पानी नहीं था, हम सुबह 5 बजे उठे, उसका भी आपको चांस नहीं दिया, कुंड में पानी भर के रखा हूँ, एक डुबकी मार के आप यहाँ आ सकते हैं, पानी का भी आपको कोई किल्लत नहीं है यहाँ, उसका भी इंतजाम कर दिया, आप कहे नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं अगर आपको साधनाएं दूं और आपके पास से साधना एक्सपेक्ट करूं, साधना की सिद्धि के बारे में पूछूं, तो मेरा भाग्य है कि आप इतने साधक हैं। अभी दूसरे लोगों को हमारे प्राची को पूछा, चंद्रपुर से आई है, क्या हुआ साधना? गुरु जी 3 बजे तक 5 बजे तक साधना करके रही, अब कब 5 बजे उठूं मैं, उठी को सोई नहीं, 8 बजे उठी। ऐसे लोग अगर साधनात्मक दृष्टिकोण से रहें तो मैं साधनाएं बोलूं तो कैसे बोलूं। हमारे ओझा जी से पूछा गया, क्या ओझा जी? अरे गुरु जी आपको तो पता, मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ। बोले 4 बजे उठ के क्या करें, उसने सब देख के आया, आश्रम घूम के आया, सब लोग सोए हुए, मैं भी जाके सो गया। इस प्रकार अगर हम साधनाएं करते हैं, और साधना के बारे में मैं आपसे कोई इच्छा या कोई कामना रखूं, तो मैं समझता हूँ इस जन्म में तो मेरी पूरी पूर्ण होने वाली नहीं। अगर ऐसा रहा तो आगे साधना के बारे में क्या आपको पता नहीं? हम शिविर में आए, हम सुबह आए स्नान करें, अब आप उदाहरण लेंगे कि गुरु जी का, गुरु जी आप नहीं आए इसलिए हम नहीं आए। मैं 4-5 बजे से उठकर पुस्तकें लिखना था, उस लिखते हुए मंत्र लिखते हुए बैठा। अगर आपको अभी मेरे कल से क्या करना होगा, पुस्तकें भी लिखना होगा तो मैं यहाँ आके लिखना होगा, तो मैं उठाऊँ ये आपको पता चले। अगर इस स्थिति में हम कोई साधनाओं की सिद्धि या साधना के बारे में बात करते हैं, तो आपके मन पर, आपके हृदय पर हाथ रख के करो कि आप साधना के दृष्टिकोण से कब महान होंगे, कब आपको ये साधनाएं आएगी, कब आप साधना में सिद्ध होंगे, और कब तक गुरु को कहना होगा कि आप 4-5 बजे उठकर साधना के लिए आओ। मैं ये यूं ही नहीं कर रहा हूं, मैं देखने के बाद जब 8-8:30 बजे दत्तू भैया से पूछा क्या हुआ, शिवा से पूछा क्या हुआ, अभी कोई नहीं, गुरु जी सब लोग सो गए, सभी लोग सोए हुए, 8:30 बजे सभी लोग सोए हुए, हाँ सभी लोग सोए। शिवाजी की दलील थी रात में 3 बजे तक साधना करे वो लोग इसलिए सो गए। अरे 3 बजे साधना करने के लिए सो गए हैं तो क्या सुबह उठने के बाद में सूरज भी ऊपर आ गए और भी ये नहीं उठेंगे तो अब साधना एक दिन की तो साधना नहीं है, वो तपस्या किसे कहते हैं, अपने शरीर को ताप देने को तपस्या करते हैं। हम शरीर को सुख जितने दिन देते रहेंगे कोई देवता प्रसन्न नहीं होने वाला। कोई देवता यह चाहता है कि तू मेरे लिए कितने देर जीता है, तेरे फैमिली के लिए तो तू जीता ही है, तेरे शरीर के लिए तू जीता, तेरी नींद चाहिए, भूख चाहिए, ये तेरे शरीर की बात, मेरे लिए क्या कर रहा है।
क्यों हम उपवास करते हैं, क्यों अपन साधना को अपने दिनचर्या को छोड़कर अलग तरीके से जागृत करते हुए मंत्र जप क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि हे देवता, मैं ये मेरे शरीर का सुख दुख सब छोड़कर मैं तेरे लिए साधना कर रहा हूं। तब देवता कहते हैं कि मेरे लिए जी रहा है, मैं इसके ऊपर प्रसन्न हो जाऊं, इसको आशीर्वाद दूं। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा कर रहे हैं? मुझे कहना पड़ता है कि आप ये करो, तब आप वो भी विचार करके आएंगे कि करना है नहीं करना है। अभी तक तो आधे लोग नहीं आए, कहाँ है इसका भी पता नहीं है। थोड़े लोग कहेंगे कि अभी धूप में, अभी धूप लग रही है हमारे। अगर यही साधना की पद्धति रही तो मैंने इस बार की पत्रिका में लिखा है, इस बार की पत्रिका में लिखा है कि मैंने आपको साधनाएं देते देते कहते कहते थक गया, अब केवल परीक्षा का समय रखूंगा, जो मेरी परीक्षा में पास होगा उसको ही साधनात्मक दृष्टिकोण से आगे लेकर साधना के मार्ग में लेकर चलूंगा, नहीं तो आप आपके घर में अच्छी तरह 8:30-10 बजे तक सो जाओ, मेरे कुछ लेना देना नहीं, आप खा के सो जाओ, अब यही कार्य करते रहो। ये नहीं, साधना एक तपस्या है, जंगल में रहने की तपस्या है, अपने नींद और सुख को त्यागने की तपस्या है, अपने शरीर को ताक देने को तपस्या कहा गया है, और जब तक ये नहीं होता तब तक हम कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। केवल पैसे कमाना, बीवी बच्चों को पैदा करना, खाते हुए सो जाना, ये हर एक पशु का भी काम है, हमारा भी काम है, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अगर हमें इससे हटकर कुछ करना है, जैसे गुरु जी ने हिमालय की कंदराओं में 18 साल घूमकर अपने पांवों को छाले आते हुए तपस्या करके उन्होंने अगर जिंदगी जी है, तो हम उनके इसमें एक दशांश भी अगर हम कुछ कर सके तो हम इस अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी कर सकेंगे, और ये नहीं हुआ तो हमारा जीना व्यर्थ है। फिर मैं इतने दिनों से आप साधना में आना और मैं साधना करते हुए रहना, साधना कहते हुए बात चलाना, ये सब व्यर्थ है। क्यों? अगर मैं कभी भी चिंतन आपके कहने से पहले मैं चिंतन करता हूँ कि आपको कूलर में बिठाया हूँ या नहीं, कल भी मैंने आपको कहा 10-11 के बाद कोई बच्चा मत घूमो, 48 डिग्री चल रहा है, मैं आज भी यही समझा था कि आप सुबह जल्दी आते हैं तो 10-10:30 बजे तक साधना पूर्ण करके फिर 5 बजे आपको बुलाऊं ताकि धूप ना लगे, लेकिन आप 8:30 बजे तक उठे ही नहीं। अब मैं साधना क्या दूँ, साधना क्या करवाऊँ, और आगे आपको साधना के बारे में क्या बताऊँ? फिर आप थोड़ी देर के बाद हो गए तो भूख लगनी शुरू हो जाएगी, भूख लगे टिफिन खाए कि नींद आ जाएगी, नींद आ गई तो फिर सुबह फिर 5 बजे तक आप उठेंगे, और ये वो नहीं, भूख के बारे में भूख नहीं मिटी तो साधना नहीं होगी, अब साधना नहीं होगी तो फिर धूप आ जाएगी, गुरु जी बहुत धूप है, अब क्या इस धूप में साधना कर सकते हैं, अब आपको काम करूँ, इतने पेड़ वगैरह सब लगाया हूँ, बैठ के साधना, मैंने कल जैसा बताया कि विवेकानंद जैसे ने पंचाग्नि साधन किया, माता पार्वती ने भी शिव जी के प्राप्ति के लिए पंचाग्नि साधन की। आज हमारे को साधना करने के बाद धूप में गए तो ही अपने को धूप लग जाती है, सन स्ट्रोक हो जाता है और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। इसको रोके तो किस तरह रोके, इसको करें तो किस तरह करें, ये क्या हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, कौन सी साधना हम गुरु से प्राप्त करना चाहते हैं, क्या हमारा यही जीवन का लक्ष्य है, इसी जीवन लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं? हमें साधना के बारे में, साधना करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले जब तक मैं आपको आपके जीवन में याद रखो ये बात कहता हूँ, आज नहीं मेरे बाद में आपके जीवन में याद रखना, जो मनुष्य घर में कम से कम सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठता है उसके घर में लक्ष्मी का वास कभी भी रहता है और अलक्ष्मी नहीं रहती, लेकिन जो सूर्योदय के बाद भी 1 घंटा पहले के वास होता है वो कितना भी धनवान हो दरिद्र हो जाता है, उसको आलस्य आता है, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती, उसको कर्म नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। एक जमाना था हमारे पास, लोग सुबह ही उठकर अपना काम करते थे, अपने कर्म में लग जाते थे, उनको कभी नौकरियों की परेशानियां नहीं हुई, लेकिन आज 1 लाख रुपए की आईटी नौकरी लगी लेकिन उसको इतनी अनसर्टेनिटी है कि कब नौकरी आएगी उसको पता नहीं, लेकिन वही पहला जमाना था, वो एक बार नौकरी करते बैठ गया तो उसको नौकरी की चिंता नहीं, रिद्धि को नौकरी कर रहा है तो जीवन भर नौकरी रहेगी। आज इसका कारण क्या है? हम या तो रात में नौकरी कर रहे हैं, सुबह सूर्योदय को नहीं उठते, और सूर्योदय के नहीं उठने से हमारे घर में लक्ष्मी अस्थिरता से रहते, स्थिरता के साथ अपना हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, घर में झगड़े, पति पत्नियों का छूट जाना, पति पत्नी अलग होना, या ये सारी चीजें किस लिए हो रही है? हमारे कि हमने एक नियमबद्ध जीवन नहीं जिया, हम यमबद्ध जीवन जी रहे हैं। यम का अर्थ होता है यम को जो इच्छा है उसके अनुसार जीने को यम कहा गया है, और यम के इच्छा के अनुसार नहीं चलने को उसे नियम कहा गया है। हम नियम के साथ चले तो यम हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, यम नर्क को नहीं ले जा सकता, लेकिन हम वो कार्य नहीं करते, और उस कार्य के लिए आप केवल सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अगर गुरु मंत्र जप करते हैं तो आप देखो थोड़े दिनों के अंदर अंदर आपके घर में एक स्थिरता आएगी, एक सुख आएगा, सौभाग्य आएगा। लेकिन इस बात को भी मुझे आज बोलना पड़ रहा है, जबकि मैं समझता था हमारे साधक बहुत सीनियर है, उन सभी को ये चीज़ें पता है, आज एक दिन के लिए पता चल गया कि आपको जब तक मैं नहा खाऊं आप कुछ भी करने वाले नहीं, आप सो के रहेंगे,
आपको हर बार मुझे जगाना पड़ेगा, मैं मुर्गी की बांग की तरह मुझे पुकारना पड़ेगा कि आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, गुजब करो, बैठो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ। अब इस बात से तो तंग आ गया हूँ। अभी मैं लिखते बैठा था तो पत्नी आई, मेरी माता जी आई और पूछने लगी कि 8:30 बजे तक लोग उठे नहीं हैं, फिर आप अभी क्या, आप थोड़ी देर बैठो, आप भी दूध पी के जाओ। मैं बोला दूध पी के अगर मैं गया तो वो लोग खाना खा के सो जाएंगे, मैं भी सो जाता हूँ, दोनों की तरह का काम वो खत्म हो जाएगा यहीं। आखिर माता जी को भी बोला अब नहीं, अब तो इन साधकों की जो साधना करना चाहते हैं उनकी नींद हराम कर दूंगा, उनको नींद नहीं आए, उनको भूख ही नहीं लगे, ऐसी कोई साधना पहले दूंगा, बाद में दूसरी साधना प्रदान करूंगा, क्योंकि ये लोग खाना सोना दोनों काम, दोनों काम जब तक करेंगे ये लोग साधना नहीं कर सकेंगे, नहीं होगा ही नहीं, ये होने वाली बात ही नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, मैं रोज जो खाना चावल वगैरह पका के दे रहा हूँ उसकी उससे अगर बगैर आपा मार के बीजों को की खीर बना के खिला दूँ तो 10 दिन तक भूख नहीं लगेगी, वो खाने में नहीं देना चाहिए, चावल ही नहीं देना, खत्म। मेरे को वो भी तरीका मालूम है कि आपको किस तरह आपकी भूख मिटा दूँ, ये भी तरीका मालूम कि आपकी नींद किस तरह मिटा दूँ, किस तरह नींद तो आपको नहीं आया ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन एक पुत्र के नाते, पिता होने के नाते आपको रोज खाना देकर परोसते हुए साधना आज नहीं तो कल करेंगे ये मैं जानकर आगे चल रहा हूँ। ऐसा क्षण मेरे लिए मत लाओ कि आप साधना करें सिद्धि नहीं हुई तो आप अगर 5 बजे नहीं उठे तो मुझे आपकी नींद हराम करने की तरीका भी आता है, मैं गुरु हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। मैंने जैसा कहा कल पूर्ण रूप से 11 माला कारी का मंत्र किसने किया है वो लोग हाथ उठा दो, सब लोग लाइन से आके खड़े रहो जिन्होंने 11 माला पूर्ण की। में किस प्रकार का कष्ट है या साधना नहीं कर सकते या कोई अड़चन है आपने, साधना नहीं हो रही है आपसे, साधना हो, गुरु जी की परंपरा में साधना को ही श्रेष्ठता दी गई, अपने में साधना करते समय अनुकूलता ना हो, अपन अनुकूलता नहीं कर सकते, गुरु वचनों का पालन नहीं कर सकते, हमारे शरीर हमें साथ नहीं देता या हमारे दूसरे कोई अड़चने हैं या हम देवता की सिद्धियाँ नहीं कर सकते, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में ऐसा क्षण आए गुरु जी कहें और हम उनकी गुरु जी की बातों को ना कर सकें, ना कह सकें, साधनाएं ना कर सकें, चाहे किसी भी तरह की अड़चन हो, शारीरिक, मानसिक या फिर भौतिक साधनाएं कोई भी हमारे में अड़चन निर्माण करती हो, हमारा शरीर साथ ना देता हो, हमारा मन चंचल हो जाता हो, हमारा मन काम ना करता हो, इस समय हम कौन सी साधना करने से हमारी कोई अड़चनें दूर होकर हम साधना में एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और हम साधना को सिद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में भी साधनात्मक दृष्टिकोण से एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने मच्छिंद्रनाथ जी अपने गुरु से पूछा था कि जब मनुष्य में आलस्य आ जाए, मनुष्य में साधना करने की क्षमता ना हो, साधना ना कर सकें, उस समय उसको साधना में साधना का मार्ग बताने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ने से साधनाएं संपन्न होगी या वो सिद्धि प्राप्त कर सकेगा या गुरु के वचनों को सुनकर गुरु कृपा को प्राप्त करेगा। एक गुरु कृपा को प्राप्त करने की हम किस प्रकार गुरु कृपा को प्राप्त करें और गुरु कृपा को प्राप्त कर हम साधना में सिद्ध होकर गुरु को प्रसन्न है, जब गुरु प्रसन्न होता है तो सारे देवता प्रसन्न होते हैं, सारे देवता प्रसन्न होते हैं तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं तो हमारे शरीर हमें साथ देने लगता है। मैं ये मंत्र कहीं नहीं लिखता, आप अपना कागज लिख लो, ले लो और मैं मंत्र बोलता हूँ वो कागज पर लिख लो और 1000 मंत्र उस मंत्र को करें तक यहाँ से उठना नहीं, देखता हूँ आपकी साधना करें, आपको यह प्रायश्चित के रूप में करना है। जो साधक अपने आप को मानता है, जिसने गुरु दीक्षा ली है, जो गुरु मंत्र जब करता है वो इस साधना को संपन्न करें, जो नहीं करता है वो यहाँ से उठ के चले जाए, मैं उसको इस बारे में सीधे तरीके से कहता हूँ, क्योंकि आप साधना नहीं करेंगे तो मुझे पसंद नहीं आता, गुरु कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तो उसका मतलब ही नहीं रहा, सारे संसार में बहुत सारे लोग पड़े हैं, पूरा संसार पड़ा है, सिनेमा देखने, टीवी देखने, मोबाइल देखने के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक साधनात्मक दृष्टिकोण से यहाँ आए हो तो साधनात्मक दृष्टिकोण से ही चलो। मैं जिस मंत्र को बोल रहा हूँ उस मंत्र को आपके हाथ से लिख लो, अक्षरों से लिख लेकर उस मंत्र को करो, 1000 मंत्र करने तक आसन से नहीं उठना चाहिए। गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे शरीर को आपका जप करने के लिए अनुकूल करो, आपकी साधना करने के लिए अनुकूल करो, हे प्रभु मैं आपकी चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आपके प्रसन्नता के लिए जीऊं, आपके प्रसन्नता के साथ रहूं, आपके प्रतिकूल में कभी बात नहीं करूं, मेरे मन तन से भी धन से भी कभी आपके प्रतिकूल एक भी वचन ना निकले,
मैं आपके किए हुए हर कार्य को संपन्नता के साथ करते हुए आपके प्रसन्नता का कारण बनो, आपके कृपा पात्र बनो, ये मन में संकल्प रखते हुए अपने शरीर को सुदृढ़ बनाते हुए गुरु के अनुकूल बनाने के लिए इस मंत्र को करना चाहिए। 1000 मंत्र एक ही आसन पर पठ करना चाहिए। मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र लिख लो। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। फिर एक बार बोलता हूं, ओम नमो परमात्मने। जो साधक यहाँ बैठे हुए हैं लिख लें, अपने कागज पर मंत्र को लिख लें, लिख लेकर मंत्र को करें। एक ही आसन पर बैठे हुए, कागज नहीं है तो कागज मंगवा लें। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। आपका शरीर साथ ना देता हो, साधना करने में अनुकूल ना हो, मन चंचल हो, आप कहीं कर रहे हैं तो इस मंत्र को करके गुरु जी से प्रार्थना करें कि मुझ पर कृपा करें कि मैं सारी साधनाएं संपन्न कर सकूं। మీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే సాధన చేయడానికి మీ శరీరం అనుకూలించదో, మనస్సు చంచలంగా ఉంటుందో, మనం చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందో, డబ్బులు రూపేణా కానీ ఇంకేమైనా రూపేణా పైసంకి కారణం సాధనాయి నీ కట్టే తబ్బి యా కభీ హమే ఈ అగర్ కన్నా హై తో ఇస్ మంత్ర కో జరూర్ కన్నా హై ఏక హీ ఆసన్ పర్ బైఠకర్ 1000 బార్ ఇస్ మంత్ర కో కన్నా హై కౌన్ సీ భీ మాలా సే యే మంత్ర చల్ సక్తా హై మంత్ర ఫిర్ ఏక్ బార్ బోల్ రహా హూం లిఖ్ లో మంత్ర మళ్ళా ఇంకోసారి అనుకోండి మామా సతీష్ రెడ్డి నిద్ర ఇంకా పూర్తి కాలేనట్టున్నది మంత్రం రాసుకోండి ఓం నమో పరమాత్మనే పరబ్రహ్మ శరీరే మమ శరీరే పాహి పాహి కురు కురు స్వాహ లిఖ్లియే హే किसी भी माला से आप 1000 मंत्र एक ही आसन पर बैठकर करो। ये मंत्र जब तक नहीं होता तब तक उठना नहीं चाहिए।